Welcome to the Spandan Academy class. Today we will study chapter number 6, line and angles, theorem number 1. First of all, we will read the statement of theorem number 1. If two lines intersect each other, then the vertically opposed angles are equal. Agar koi do line hai, wo ek dusre ko intersect kar rahi hai, to unse banne wala jo vertically opposed angles honge, wo kya honge? Ek dusre se equal honge. हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लिया. गिवन ए बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर, हमें पता है दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि जो दो लाइन्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. एक लाइन ए बी एंड सेकेंड लाइन इज सी डी, ये दोनों क्या कर रही है, पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे, एंगल ए ओ सी इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल बी ओ टी के. इसी तरह एंगल ए ओ टी इक्वल होना चाहिए एंगल बी ओ सी के. तो हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, साथ ही साथ इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल प्रूव करना है. ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो प्रूफ प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ सी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल बी ओ डी के. ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए. तो इसके लिए प्रूफ क्या लिखेंगे, ऑन लाइन ए बी, सबसे पहले हम ए बी लाइन को लेते हैं. ए बी लाइन, इस लाइन पे एक लीनियर पेयर बन रहा है एंगल का ओ डी. यहां से एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है. इन दोनों का जो सम होगा, अगर ये लीनियर पेयर बन रहा है तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल. तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1. देन ऑन लाइन सी डी, अब सी डी लाइन में देखते हैं यहाँ पे भी दो एंगल आपको बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहा है. तो इनका जो सम होगा वो भी कैसा होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो लिखेंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी, इन दोनों का सम कैसा होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा. इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों के राइट हैंड साइड कैसे हैं, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होंगे, दोनों के इक्वल होंगे. तो लिखेंगे एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी प्लस ए ओ सी. ए ओ डी जो है इसका हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी एंगल ए ओ सी. अब जो ए ओ डी का हमने ट्रांसफॉर्म किया था वो अभी लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव था, तो राइट हैंड साइड आपके कैसा हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा. माइनस ए ओ डी और पॉजिटिव ए ओ डी कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. तो एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी. ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. हम दोनों ने हमने क्या किया, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया. सेम इसी मेथड को अगेन अप्लाई करते हुए आप क्या करोगे, ए ओ डी को इक्वल करोगे किससे, एंगल बी ओ सी के. तो इन दोनों एंगल्स को भी आप इसी मेथड को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं.